जो चौथे पातशाह गुरता गद्दी की दात बख्शिश की, सब तो पहला तिलक बाबा बुढ़ा जी ने लाया गुरता गद्दी का, चंदन केसर कस्तूरी ये चीज़ा बिच थोड़ा जा बदाम रोगन पा के मस्तक ते तिलक लाना, थोड़े चौल लाने, क्यों जे ये चीज़ा पता होणगियां फिर थोनू कई गुमराह नहीं कर सकते। ये गुरु ग्रंथ साहिब नूं जद गुरता गद्दी सौंपी है उदों भी ये चंदन केसर का तिलक लाया, ये शुरू तो लैके चले आया। एक मर्यादा है नारियर नालियर रखना, नालियर का मतलब होंदा अपना सिर अर्पण करना, ते पांच पैसे नाल रखने। पांच पैसे का मतलब होंदा तिन्ना लोकां दी माया अर्पण जदों कीती है गुरता गद्दी उदों ये चीज़ां सामने रखनियां, गुरता गद्दी अर्पण करनी। आ रोपड़ दे नाल ही भरत जिहड़ा गुरद्वारा पैंदा है बाहर निकल के, सो उत्थे भी देखो महाराज आए छेवें सत्तवें अठवें नौवें दसवें पाच। ये जिहड़ा स्थान है महाराज का, और श्री कीरतपुर साहब देखो पहले पातशाह कीरतपुर साहब आए ने, गुरद्वारा चरण कमल साहब छेवें सतवें अठवें नौवें दसवें पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश। एक वड्डी चीज़ जिहड़ी दसण वाली भी संगत नूं मैं हमेशा पुछदा हर थां तुहानूं भी पुछदा, तुसीं इस इलाके दे विचों एक श्री अकाल तख्त साहब थोड़े इलाके विच है, पर बहुतियां नूं नहीं पता, किसी नूं पता होगा भी थोड़े इस इलाके च श्री अकाल तख्त साहब भी है। चलो वर्ल्ड विच लोकां दा संगत विच की पता, साडी कौम नूं इन्ना कमांकारां तों वेल घट ही मिलदा लगदा। जदों छेवें पातशाह श्री दरबार साहब वाले पास्यों सारे जंग युद्ध मुका के इधर आए श्री कीरतपुर साहब, ये जिहड़ा श्री कीरतपुर साहब है इहदा नाम गुर कीरतपुर साहब है। वैसे पूरा बाबा गुरदित्ता जी नूं भेजिया सी नीह रखण, उन्होंने बाबा कहिंदे श्री चंद जी तों नीह रखवाई सी इह शहर ते, ते अंदर जा के गुरु के महल ने जिथे सत्तवें ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਕਥਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭੱਜ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
श्री बिभौर साहब तो लेके 37 गुरुद्वारे ने कुल कीरतपुर साहब तक। सो इत्थे जरूर संगत दर्शन करे। श्री अकाल तख्त साहब इत्थों इत्थों दूर लगता भी श्री अकाल तख्त साहब तर जाना छेती या औखा लगता जी, पर इत्थे करया करो ओना ही फल है। ये चीज़ा जिहड़ियां बहुत जरूरी है, तो इस करके आपां अज दसां गुरां दे दर्शन ही कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्शन कर रहे हैं। ये कृपा सतगुरु नानक साहब जी तो बख्शिश हुई है। आप संसार के उत्ते नारायण जी आए ने, आप नारायण कलाधार जग में भर भरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सियाणा सियाणा ही हुंदा, बाकियां दा तां हिसाब किताब अपने ढंग नाल होया। रचना कीती वधिया रचना है, धार्मिक सब कुछ, पर इहदे विच भी एक प्रकार की ऐसी गल आ गई है, ईरखा द्वेष छोटा वड्डा जात पात पढ़िया अनपढ़िया, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां पुरातन समय के ग्रंथ लिखे गए ने वो लिखी संस्कृत विच ने। 12 साल पहला तो संस्कृत सीखने लगते ने तेज दिमाग, 12 साल व्याकरण, 12 साल अर्थ, बहुत तेज दिमाग होवे उच्ची कोल दा होवे उन्हें अधिकार है केवल, पर सतगुरां ने सानू इन्नी इन्नी बख्शिश की बाणी अंदर इउं फरमाया है। पिंडां जांदे आ शहरां च कई थावां ते माइयां बजुर्ग ये कहिंदे ने असीं तां अनपढ़ हैं सानू तां कुछ आउंदा ही नहीं, पर सतगुरां ने गुरु नानक साहब ने कृपा की है। बाणी के अंदर जिक्र आते हैं जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। ये नहीं है कि आप अनपढ़ है, हुण अज भी माता जी को कहें मैं अनपढ़ हाँ, मैं ये पढ़ाई जी तुम कर रहे हो बहुता नहीं समा हो, 100 साल तो ही शुरू हुई है पढ़ाई। जे विचार के देखो गुरु नानक साहब वेले केड़े स्कूल या कॉलेज सीगे, महाराज तो एक दिन गए ने तो वह भी पढ़ाउण लग गए जाके सच्चे पातशाह, कहिंदे बिना पढ़ाए पढ़ रहे अवर पढ़ावण हार। मस्कीन जी एक बार बॉम्बे कथा करते सी, वो कहिंदे मैनू को बंदा आके कहिंदा कबीर फरीद दीआं की गल्लां सुणाउंदा रहिंदा, अनपढ़ बंदे सी यार वो, तो उन्होंने गल्लां सुणाउंदा कहिंदा उदों छोटी उम्र विच सी मैं उदों वड्डा सी, कहने फिर कुछ समा लंघता गया एक बार मेरे को आके कहिंदा मैं कबीर फरीद जी बारे कुछ जानकारी लैनी है। कहने क्यों, तू तो कहना सी अनपढ़, कहना वो तो सानू बेसमझी सी, मैं हुण कबीर फरीद दे उत्ते ही PhD कर रहा। मस्कीन जी कहने वो अनपढ़ां दे उत्ते की PhD करनी है, पढ़े लिखे तो कर लै, कहना नहीं नहीं उदों सानू ज्ञान नहीं, ये नहीं हुंदा कि मैं अनपढ़ है, नहीं अनपढ़ नहीं है, ये जरूर है कि उत्थे अनपढ़ता वो हुंदा, अनपढ़ता ये आम जिहड़े डंगर हुंदे रहे हुंदे ने, इहदा दिमाग नहीं हुंदा, जिहदा दिमाग नहीं, जिन्हां दा दिमाग है वो पढ़िया लिखिया ही हुंदा। धन धन भाई गुरदास जी जिन्हां ने इन्नियां सोहणियां वारां लिखियां, देख लो वह कहड़े कॉलेज स्कूल पढ़न गए, और गुरु नानक साहब ने जपजी साहब जिहड़ा पाठ लिखे है 5983 लगा मात्रा माइया, तो 5983 ही अखर है यदा, और जिहड़ी गुरु नानक साहब की व्याकरण है इन छेती कीती है, पढ़े लिखे भी समझ नहीं सकते। क्यों, पढ़ाइया दो प्रकार दियां, एक बुद्धि विच्चों निकलती है पढ़ाई, एक पढ़ाई निकलती है आत्मा विच्चों, आत्मा बड़ी है बुद्धि छोटी है। सो इस करके सतगुरु महाराज ने आपां नूं इह जिहड़ा
देश बोली देश भाषा दे विच गुरमुखी लिपि रच के पंजाबी गुरमुखी दे विच सानू धुर की बाणी हुण जे देखिए विचार के धुरों कौन आया गुरु नानक देव जी आए। भट्टा ने जदों कहा आप नारायण कला धार जग में बरवरिया निरंकार आकार निराकार ने आकार गुरु नानक साहब का बनाया जोत जग मंडल करो आप निरंकार जी सृष्टि ते सरगुण रूप धारण करके आए ने निर्गुण रूप दिखता नहीं हुंदा सरगुण दिखता सामने इस करके उस सृष्टि ते गुरु नानक देव जी आए शब्द उन्होंने गायन किए उन्होंने अर्थ किए हौली हौली वह शब्द लिखे भी गए नाल नाल उत्थे नाल रखदे उही शब्द गुरु अंगद देव जी ने बख्शिश होए तीजे पातशाह नूं होए